छोटका भाई के हार के बदला जो है बड़का भाई ले लिया है, यानी कि मुंबई इंडियंस जो गुजरात टाइटंस को हराया था, यानी कि हार्दिक पांड्या को हराया था, उसका बदला जो है लखनऊ सुपर जायंट यानी कि कुणाल पांड्यान जो है मुंबई इंडियंस से ले लिया है, जिसमें जो है 5 रन से मुंबई इंडियंस को लखनऊ सुपर जायंट जो है कल के मुकाबले में यानी कि हरा दिया है। तो इस मुकाबले में कौन सी टीम कितने स्कोर बनाया था इसी वीडियो में बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो है IPL का था 63वां मुकाबला, जिसमें जो है मुंबई इंडियंस टॉस जीतकर जो है पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और लखनऊ सुपर जायंट जो है पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में जो है 3 विकेट के नुकसान पर जो है 177 रन के स्कोर खड़ा किया, जिसमें जो है मार्कस एस्टोनिक्स ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किया। मार्कस एस्टोनिक्स जो है 47 गेंद में 4 चौके और 8 छक्के की मदद से 89 रन के जो है नाबाद पारी खेला, और इसके अलावा जो है कुणाल पांड्या भी जो है 42 गेंद में 49 रन के पारी खेला, लेकिन जो है कुणाल पांड्या रिटायर हट हो गए इसलिए जो है उनका जो है बल्लेबाजी स्टॉप हो गया। कुल मिलाकर जो है लखनऊ सुपर जायंट जो है 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 177 रन के स्कोर खड़ा कर दिया, जिसके जवाब में जो है मुंबई इंडियंस मात्र 172 रन बना सका 5 विकेट के नुकसान पर, जिसमें मुंबई इंडियंस की तरफ से जो है ईशान किशन सबसे ज्यादा रन बनाया। ईशान किशन जो है 39 गेंद में 8 चौके और 1 छक्के की मदद से जो है 59 रन के पारी खेले। इसके अलावा रोहित शर्मा भी जो है 37 रन के पारी खेले, यानी कि कुल मिलाकर देखे तो मुंबई इंडियंस की शुरुआत अच्छा हुआ, यानी कि 10 ओवर तक देखे तो विकेट नहीं गिरा था। उसके बाद जो लखनऊ सुपर जायंट के गेंदबाज ने कमाल दिखाया वो गजब का था, यानी कि शानदार था। अंतिम ओवर यानी कि 20वें ओवर जो है लखनऊ सुपर जायंट को 11 रन को डिफेंड करना था, जिसमें जो है मोहसिन खान ने जबरदस्त गेंदबाजी किया और मात्र 6 रन दिया, जिस कारण जो है लखनऊ सुपर जायंट जो है 5 रन के अंतर से जीत दर्ज किया। लखनऊ सुपर जायंट ने साबित कर दिया कि प्लेऑफ में उनका भी जो है जगह पक्का करने वाले हैं, और इस जीत के साथ जो है लखनऊ सुपर जायंट पॉइंट्स टेबल पर अब तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जिसमें जो है 13 मुकाबले में जो है 7 मुकाबले जीतकर जो है 15 पॉइंट के साथ जो है तीसरे स्थान पर पहुंच गए। तो आपको क्या लगता है लखनऊ सुपर जायंट जो है प्लेऑफ में जगह बना पाएगा या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।